जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक छोटा सा ड्राइंग करना सिखाते हैं। छोटे बच्चों के लिए है ये। तो इसमें आप सिंपली पेंसिल स्केल से आप एक अच्छी सी ड्राइंग बनाएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना है। ध्यान से वीडियो देखें, उसके बाद कॉपी करें। आप स्केल यूज़ कर लें, स्केल यूज़ कर लें, हम बिना स्केल के बना रहे हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको जस्ट लाइक एक काइट, ऐसी पिक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह का आप शेप बना लें। सेकेंड पार्ट में आपको करना क्या है कि उसके बाद आपको सेंटर में एक लाइन बनानी है, और उसके बाद इसमें जितने कम से कम चार लाइंस आपको बनानी है। इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, ये चार लाइन ये ड्रॉ आप कर लें। इसके बाद इसी पार्ट पे हम यहाँ से जो ऊपर एक गोलाई लेते हुए इसको इतना सा टच करेंगे, ऊपर इतना छोड़ देंगे, और यहाँ से एक गोलाई ले करके एक ये आपको इस तरह से गोलाई। इस शेप की हेल्प से हम दो चीज़ें बनाएंगे। पहले हम आपको एक बना के दिखाते हैं इसी शेप से। अब थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेंगे और बड़ा बनाएंगे तो देखिए ये क्या बनने वाला है। देखिए, ये इसी शेप को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो आप भी स्केल का यूज़ कर लें, दो तीन बार में प्रैक्टिस कर लें। ये देखिए, इसके बाद आपको ये अंडरलाइन सेंटर में से एक लाइन बनानी है और इसके चार पार्ट करना है। आप स्केल का यूज़ कर लें, स्केल ले लें, आप स्केल से बना लें आप हेल्प करके। इसके बाद ऊपर का हिस्से एक निशान लगाएंगे छोटा सा, और यहाँ से हम एक गोल राउंड इसको बनाएंगे। ये हमारी जो शेप बनी है, इससे हम क्या बनाने वाले हैं, इसको हम रेज कर देंगे। जो पहले हमने हेल्पिंग के लिए हमारा जो शेप बनाया था उसको हम रेज कर। ये स्टेज वन है, ये स्टेज टू है, इसको हम रेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक और गोल सर्किल बना रहे छोटा सा। अब ये देखिए, आप समझ गए होंगे हम ये क्या बनने वाला है। थर्ड स्टेज में हम इसको फाइनली फुल एंड फाइनल बना देंगे। ये जो पार्ट हमने बनाए इसको भी थोड़ा सा एक गोले के आकार का बना, इस तरह से बाहर निकाल। थ्री पे, फोर पे कुछ नहीं करना आपको, थर्ड पे, फोर पे आपको कुछ नहीं करना है। फोर पे आपको ये शार्प रखना है और थोड़ा सा ये वाला पार्ट। आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये कौन सा खिलौना है। और अब इसको डायरेक्टली फुल फाइनल बनाते हैं, फिर से बनाते हैं एक बार। तो आप दो तीन बार में बनाना इसको सीखें तो आपको ये आसानी से बनाना आ जाएगा। देखिए, उसी तरह से अब हम, आप चाहें तो उसकी हेल्प ले सकते हैं स्क्वायर की, पहले जो हमने बनाया था जो आकृति। चाहें तो आप अब आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए आपको एक लाइन बनानी है, ये तीसरा तरीका है डायरेक्ट, ठीक है। और ये नीचे की तरफ ट्रायंगल, नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाना आपको, ठीक है। डायरेक्ट जिनसे ये नहीं बना था उनके लिए ये पार्ट वन और पार्ट सेकंड को ध्यान से देखें, उसके बाद ही इसको बनाने की कोशिश करें। इसको हम उसी तरह से चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके ऊपर जहाँ पे हमारा एक राउंड शेप एक निशान लगा दें आप, जितना भी उसको गोलाई दे करके, इस तरह की एक गोलाई दे दें,
बीच में आपको एक ये और गोल सर्किल बनाना है। उसके बाद ये जो है हम हमारी जो स्ट्रेट सीधी लाइनें हैं इनको हम इरेज कर देंगे, इसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गोल राउंड इनको देना है थर्ड पार्ट तक। फोर्थ को नीचे ऐसे कैसे रखेंगे, फोर्थ को ये ट्रायंगल जैसा ही रहेगा। इरेज करने के बाद देखिए यस, अब हम इसको बाहर की साइड में आउटसाइड में गोलाई देंगे, यहाँ से भी बाहर की साइड में गोलाई देंगे, यहाँ से भी बाहर की साइड में, बस इधर भी इसको हम बाहर की साइड में गोलाई देंगे, ये बाहर की साइड में गोलाई देंगे। नीचे का जो पार्ट था उसको हम एज इट इज रखेंगे, इस पर एक रोटेटिंग टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं, बच्चे इससे खेलते हैं, रस्सी में डाल करके इसको चलाते हैं। अब इसको हम और अच्छा बनाएंगे तो पेंसिल से ही आपको बनाना है रोटेटिंग टॉप। अब देखिए अभी हम इसको सिर्फ पेंसिल से ही सेड करेंगे, ये वाली सेड हम को इस साइड में सेड करना है। और सेडिंग टेक्निक की पिक्चर, शेडिंग टेक्निक की वीडियो हम आपको भेज देंगे, उसको आप देख लेना। और पहले आपको शेडिंग टेक्निक्स की वीडियो देखनी है। इसमें हम ये देखिए इसको हम डार्क कर रहे हैं साइड से, इसको ध्यान से देखना आपको। ये हैचिंग मेथड है, बाद में इसको हम टोन में बदल देंगे, इसको हम ब्लेंड कर देंगे। आपको ये जो हम वीडियो आपको बताएंगे ब्लेंड क्या होता है, टोन क्या होता है, हैचिंग क्या होता है, उस वीडियो में हमने बताया, वो वीडियो आप जरूर देखें। ये देखिए इस तरह से आपको हल्के हाथ से इसको शेड देना है, हल्के हाथ से इसको शेड देना है, इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। यहाँ पे हमने डार्क टोन रखनी है और फिर हल्के यहाँ से लाइट 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 टोन रखनी है, इस तरह से ये टोन रहेगी इसका। लास्ट में जो है उसको आप सेंटर तक इसको ये टोन कर दें। इसको डार्क कर देंगे, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले धैर्य पैशन बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि आप अच्छी ड्राइंग आप कर सकें। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ ब्लेंडिंग टूल्स हैं, ब्लेंडिंग टूल्स हमने बताए थे आपको। ये देखिए ये सिंपल पेपर है जिसको गोल करके हमने टेप लगा दी और आगे से इस तरह से हमने इसको ये बना दिया। ब्लेंड का मतलब हम इसको स्मूथ करने के लिए इसको मिक्स करेंगे, इससे जो एक स्मूथ टेक्सचर इसमें आएगा। ये हमने टेक्निक में बता रहा है आपको ब्लेंड करना, और ये ब्लेंडिंग टूल है। इसके बाद देखिए जो हमारा इसमें जो जो ग्रेफाइट लगा है उसको हम थोड़ा सा और आगे तक लेके जाएंगे, और आगे तक लेके जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इधर अपने आप लाइट और डार्क शेड होती जाएगी। देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मूथ है और ये हार्ड है। तो ये ब्लेंडिंग टूल आप बनाने, सिंपल पेपर है, पेपर को गोल करके और उस पर टेप लगा के आगे से आप इसको इस तरह से घिस करके बना सकते हैं। इधर भी थोड़ी सी शेड देनी है आपको,
इसी तरह से बाद में जब हम लोग इसको कलर करेंगे तो कलर में, कलर सेटिंग में भी आपको ये आना चाहिए कि आपको डार्क किधर रहेगा, लाइट किधर रहेगा, तो ही आप इसको कलर कर पाएंगे। आइए इसके नीचे भी हम इसकी शेड, इसकी जब शेड बनाते हैं छाया, तो उसको इस तरह से बनाते हैं। इसके शेड हम लिया, इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे इसमें टेक्सचर को। तो ये आपका एक ड्राइंग बनकर के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको बड़े साइज पे भी बना सकते हैं। हमने A4 साइज में इसको, एक से A4 से थोड़ा छोटा है, पूरा शीट है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पे प्रैक्टिस करके आप उसको खूब बार बनाएं, बार बार बनाएं और स्टेप वाइज बनाएं। स्टेप थर्ड में हमने इसको मिक्स करके ये बना दिया है। तो ये ड्राइंग देखने में छोटी है लेकिन बहुत ही टेक्निकल है। अब इतना सा कमांड अगर आपके हाथ में आ जाता है, छोटे से बच्चों से ही आप अभी से बनाना शुरू कर देंगे, तो आप आगे चल करके बहुत ही अच्छी ड्राइंग आप बना सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप वाइज आपको चलना है, इस तरह से स्क्वायर बनाना है, ये इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप आपको ये इसको करना है। और वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार देखें, बार बार देखें, दो बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए देखें और करें, और उसके साथ साथ ही फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा सा ड्राइंग बना लेंगे। आपके पास अगर ये ग्रेफाइट क्रिस्टल ग्रेफाइट पेंसिल नहीं है तो आप सिंपल पेंसिल से भी आप इसको बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।